बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर चल रहा है। इस फर्स्ट पेपर में सच्चिदानंद हीरानंद भातसाहेब अज्ञे की कविताओं का अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। अज्ञे जी की दूसरी कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, यह दीप अकेला उनके कविता है। क्योंकि अज्ञे जी नई कविता के बहुत जाने माने कवि हैं, छायावादी रचनाओं को भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उनकी कविता प्रयोगवाद और नई कविता के वो जनक है। नई भाषा का, नए प्रतीकों का, नए बिंबों का, नई समस्याओं का, नई चुनौतियों का कविता के माध्यम से किस प्रकार से प्रकटीकरण हो, इस सारे अभियान को अज्ञे जी ने पूरा कराया। और उनके निर्देशन में पहला तार सप्तक निकला था 1943 में, और तार सप्तक के बाद की ये रचना जो 1950 के बाद आई वो नई कविता के रूप में। तो उनकी कविता ये दीप अकेला, दीप जो दीपक है ये अकेला है, लेकिन दीपक प्रकाशवान है, और जो प्रकाशवान है वो दूसरों को कुछ दे सकता है, और दीप का मतलब ही प्रकाश से है, लेकिन वो अकेला है। लेखक इसमें आम आदमी को केंद्र में रखता है। समाज का हर व्यक्ति एक दीपक की तरह है, और ये समाज उसकी पंक्ति है, जो दीपक दीपकों की पंक्ति के साथ जुड़ जाता है तो एक पूरी पंक्ति बन जाती है, एक दीपावली बन जाती है, प्रकाश का ऐसा पुंज बन जाता है जो आपको देखने में भी आकर्षक है और बहुत सारे अंधेरे को एक साथ दूर कर देता है। तो हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा से, अपनी कर्मठता से, अपने कर्मपथ से, अपनी शक्ति से, अपने परिश्रम से, अपनी उद्यमता से समाज में फैले हुए तमस को दूर कर सकता है। वो अपने परिश्रम से समाज को देता है और देता ही चला जाता है, और इसलिए समाज में ऊर्जा रहती है, इसलिए समाज विकास करता है। वो समाज को आगे ले जाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को विकसित करने के लिए, समाज में सब कुछ आगे बढ़ाने के लिए ये मनुष्य रूपी दीपक जो अकेला है, अज्ञे जी कहते हैं कि इस दीपक को जो अकेला है इसकी समस्त ऊर्जा का, समस्त प्रकाश का, पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाएगा अगर अकेला जलता रहा। व्यक्ति अगर अकेला रहा समाज में, अलग थलग रहा, तो समाज उसकी पूरी उपयोगिता नहीं ले पाएगा। तो वो कहते हैं कि इस दीपक को किसको दे दो, समाज रूपी पंक्ति को समर्पित कर दो, समाज को दे दो। वो कहते हैं जगह कविता शुरुआत में, यह दीप अकेला मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो, यह दीप अकेला मदमाता पर इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला मदमाता पर इसको भी भक्ति को दे। अर्थात मनुष्य रूपी दीपक को अकेला मत छोड़िए, इसकी पूर्ति समाज से मिलकर जीने में है, सबके साथ मिलकर जीने में ही आगे है, इसी में समाज का भला है और इस व्यक्ति का भला है। इसकी पूर्णता क्योंकि इसमें इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति है कि मनुष्य को यह पता है कि यह चुनौती बहुत कठिन है, इसे पार नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी बार बार असफल होने के बाद भी वो चुनौती को भी चुनौती देता है, प्रकृति की प्रत्येक विराट सत्ता को भी चुनौती देता है, जीतता है और अपनी विजय का शंखनाद करता है। प्रकृति में कितनी चुनौतियां जब मनुष्य लड़ता है, असफल होता है, गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है, और फिर कोई नया आविष्कार करके अपनी जीत का, अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने पुरुषार्थ का वो डंका बजा देता है। तो ये कविता का भावार्थ है कि, और ये इसका प्रतिपाद्य है,
कि ये जो दीप अकेला करता है ये लघु मानव या आम आदमी की प्रतिष्ठा की कविता है। आम आदमी को अपनी शक्ति को संजोकर समाज के साथ जुड़ना है और समाज को कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा देना है, कुछ ऐसा समाज को शक्ति देनी है कि ये समाज युगों युगों तक आगे बढ़े और आगे बढ़कर मानव जाति के विकास का, उसके उत्थान का, उसकी खुशियों का, उसकी प्रगति का हर युग में एक नया पैमाना तैयार करे। तो इस कविता की पूरी प्रतिभा तो विशेषता अगर देखी जाए लघु ये जो दीप अकेला करता है तो पहली क्या है लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता से पहले आम आदमी कविता या साहित्य के केंद्र में नहीं था, या था तो उसकी जो चर्चा वो एक नगण्य मात्र थी, वो उसको बस इतना है जीवन भर के लिए उसको देना काम करना है। लेकिन अब नई कविता ही उसमें लघु मानव या आम आदमी की प्रतिष्ठा की गई कि समाज का हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, चाहे वो महल में रहता हो, चाहे झोंपड़ी में, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी, चाहे इंजीनियर या डॉक्टर, हर आदमी को उपयोग होता है और हर आदमी को समाज के साथ कड़ियों से कड़ियां मिलाकर जुट जाना चाहिए, तभी समाज की आगे प्रगति होगी। और इसलिए लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई। मानव शक्ति की उपयोगिता भी तभी होगी क्योंकि कोई आदमी अच्छा कारीगर है, कोई अच्छा पेंटर है, कोई अच्छा संगीतकार है, कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा तैराक है, कोई अच्छा बलिष्ठ है, कोई अच्छा बुद्धिजीवी है, और ये सारे लोग जब अपने अपने श्रम का, अपने अपने बौद्धिक क्षमता का, अपने अपने ज्ञान और अनुभव का अगर समाज को देते हैं तो समाज बहुत संतुलित और प्रगति में हो जाता है। क्योंकि जीवन की सारी जरूरतें एक इंसान पूरा नहीं कर सकता है। डॉक्टर डॉक्टर का काम कर सकता है, इंजीनियर इंजीनियर का काम कर सकता है, मजदूर मजदूर का काम करेगा, एक्टर एक्टर का काम करेगा, संगीतकार संगीत का काम करेगा, तो जीवन की सारी जरूरतें आपकी पूरी होंगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति की जरूरत है और इस जरूरत के द्वारा ही समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। समाज से जुड़कर व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है और व्यक्ति नहीं जुड़ेगा तो व्यक्ति का भी विकास नहीं। व्यक्ति अपने जीवन की सारी जरूरतें समाज के अंदर रहकर पूरी करता है। जैसे समाज के लिए व्यक्ति की जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है, तो हर व्यक्ति को समाज की जरूरत है। समाज में रहकर अपने परिवार, बच्चे, समाज, देश, राष्ट्रीय का सबका एहसास होता है। अगर वो अकेला अलग थड़ किसी पेड़ के नीचे रहता है तो न उसके लिए समाज की कीमत है, न परिवार, न राष्ट्र, न समाज, न गीत, न संगीत। तो ये सारी चीजें यह आवश्यक हो गया है कि व्यक्ति भी समष्टि के साथ आपके साथ होना जरूरी है। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, जैसे कहावत है एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ऐसे ही व्यक्ति का समष्टि संपूर्णता के साथ आपके साथ तीन लेना चाहिए। व्यक्ति का विकास का वह जो संपूर्णता के साथ आपके साथ कर रहे, और यह संपूर्णता भी समष्टि सारी सृष्टि सारा समाज ये एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति के बिना समाज अधूरा है और समाज व्यक्तियों के बिना अधूरा है। हर अच्छे आदमी समाज से जुड़ते हैं, समाज का चौमुखी विकास होता है और हर व्यक्ति समाज से जुड़ के अपने जीवन की समस्त जरूरतों को पूरा कर लेता है। मानव की शक्ति एवं ऊर्जा असीम, लेखक कहना चाहता है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति ने स्वयं बनाया है, अद्भुत है, चमत्कारी है। ऐसा खिलौना, ऐसा पात्र प्रकृति में कोई दूसरा नहीं है जैसा कि मनुष्य है। उसके पास सारी शक्तियों को भोगने का, सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने का और सब कुछ चमत्कार करने का सारा उसके पास इलाज है। इसलिए मानव है तमाम शक्ति और ऊर्जा का केंद्र है। वो सबको बारे में जानता है, सारे संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना है ये भी वो जानता है। सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है, रात्रि क्या है, प्रकाश क्या है, इन सब के बारे में मनुष्य के द्वारा ही नई नई गणना ज्योतिष के थ्रू, विज्ञान के थ्रू हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो ये जो मनुष्य है ये स्वयं उद्भूत है, ये स्वयं प्रकृति की गोद में आया है, स्वयं
स्वयं प्रकृति का उपभोग करने और संसार को नए रास्ते पर ले जाने के लिए। कवि ने नई भाषा नए प्रतीकों का प्रयोग किया है, इसको भक्ति को दे दो, इसको शक्ति को दे दो, इसको पंक्ति को दे दो। तो इस प्रकार से कई तरह के तुकांत भाषा में इस्तेमाल की है। और ये जो कविता है इसमें मुक्त छंद का प्रयोग है, क्योंकि सारी प्रयोग वाली कविता और सारी नई कविता मुक्त छंद पर आधारित है, यानी छंद का कोई नियम नहीं है। कई 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 जरूरत शैली को संगीतात्मक या तुकांत भाषा में उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये कविता दीप वकेला जो अज्ञे जी ने लिखी है, ये नई कविताओं में उनकी रचना में बहुत महत्वपूर्ण कविता है। और इस कविता के द्वारा वो मानव जाति और हर मनुष्य की प्रतिष्ठा और समाज की महत्ता, इन दोनों के बारे में अपने नवीन विचार व्यक्त करते हैं और ये प्रस्तुत करते हैं कि समाज का उत्थान व्यक्ति से है, इसलिए हर व्यक्ति को समाज के लिए समर्पित होना चाहिए, देश के लिए समर्पित होना चाहिए। और जब हर व्यक्ति जब समाज को दे दिया जाएगा तैयार करके, तो वो समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी कार्य कर सके।